जैसा आपको पता है, जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में या हॉटस्पॉट्स में नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि मौजूदा दिशा निर्देशों का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो। परंतु इन दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण कुछ आशंकाएं खासकर इंडस्ट्री के मन में थी कि फैक्ट्री में कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने पर फैक्ट्री के सीईओ को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा हो सकती है या फैक्ट्री को 3 महीने के लिए सील किया जा सकता है। इसलिए कल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जरूरी ये है कि सभी वर्कप्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं, उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। जो टीमें पहले से जा चुकी हैं, उनमें से 2 का फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओस, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी। मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया।
अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स की को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो। धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओस के साथ काफी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाए और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेज आए हैं। विच टेक्स आर टोटल कन्फर्म केसेज टू 23,077। टोटल केसेज अंडर मेडिकल सुपरविजन आर 17,610। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं। विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 जिलों में दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वे जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इम्पोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स, इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से
सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेडक्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड 19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है, जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर NCDC डॉक्टर SK सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर VK पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1, जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। NCDC प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पॉन्स सिस्टम, जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस को साथ में इस्तेमाल करते हुए, हम एयरपोर्ट से जो चालू हुआ था एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग डाटा को कम्युनिटी डाटा से जोड़ने के माध्यम से, और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए एक हमने लाइव डैशबोर्ड तैयार किया, जिस डैशबोर्ड में स्पेशल सर्वेलेंस सिस्टम का डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट कैप्चर होता था, जिसमें न केवल हम सर्वेलेंस का डाटा कैप्चर करते थे बल्कि लॉजिस्टिक और हॉस्पिटल और क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड्स का भी डाटा कैप्चर करते थे। साथ ही इसमें PPE की आवश्यकता और उसका भी एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि अगर हमारे केसों की दर या केस किस गति से आगे बढ़ेंगे उसके अनुसार हमको कितने बेडों की आवश्यकता होगी, कितने हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होगी, कितनी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, ये भी इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम था। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम होता है विभिन्न मंत्रालयों में एक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क स्थापित करना, क्योंकि जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि ये बीमारी, जिसमें कि न केवल एक उचित हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी मौजूद नहीं है बल्कि एक इफेक्टिव इलाज भी मौजूद नहीं है, तो आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें, जिससे कि ये लोग समाज में रह के बीमारी का और फैलाव होने से रोकने से रोक पाए हैं उसको। साथ ही एक मुख्य अंग इसका है जो कि हमारा लॉकडाउन से हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेन को कट करने का एक माध्यम मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको एक बहुत ही मुख्य धारदार हथियार इसको इस हमारी कम्युनिटी सर्विलेंस को पैना करने के लिए दिया है, वो है लॉकडाउन। मैं आपको इस पर्टिकुलर माध्यम से आगे ये बताऊंगा कि किस प्रकार लॉकडाउन ने हमारे जो इस सर्विलेंस नेटवर्क है उसको किस तरीके से प्रभावित किया।
साथ ही मैं इसका एक और अंग आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी हमको इस सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी इस सर्वेलेंस सिस्टम की मुख्य इकाई है डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क, जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस नेटवर्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डीएम के माध्यम से हम लोग हेल्थ सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को साथ साथ लाने में तैयार हुए हैं और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमने जो इस सर्वेलेंस सिस्टम के मुख्य अंग हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट में हाउस टू हाउस सर्च, जो कि एक हमारा कंटेनमेंट जोन का प्रमुख एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सर्च करके जो भी लोग आंशिक रूप से या संपर्क संक्रमित होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं, और सैंपल कलेक्ट करने में अगर पॉजिटिव पाया जाता है या उनके कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स को हम क्वारंटाइन में विस्थापित करते हैं और केसेस को हम लोग आइसोलेशन हॉस्पिटल में करते हैं। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से न केवल हम कम्युनिटी में इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी कर पाते हैं, बल्कि एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सेंट्रल सर्वेलेंस टीम के माध्यम से हम जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन का नेटवर्क भी स्थापित कर पाते हैं। अगर आप इसी प्रकार देखेंगे कि सर्वेलेंस सिस्टम ने विभिन्न फेजेस में किस प्रकार से हम आगे चले हैं तो आप पाएंगे कि आज हमारे इस सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से 9,45,000 करीब करीब लोगों को हम लोग पूरी निगरानी में रखे हुए हैं। इससे हम ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता को देना चाहेंगे कि ये सर्वेलेंस सिस्टम जो कि पूरे देश के जिले में फैला, हर जिले में फैला है, उसने 9 लाख पॉसिबल इन्फेक्टेड पर्सन्स को किस प्रकार एक अपनी निगरानी में रखा है। पैनी निगाह से जैसे कि उनमें किसी भी प्रकार कोई भी लक्षण अगर इसमें संभावित नजर आता है तो उनका तुरंत सैंपल लिया जाता है, भले ही ये आइसोलेट क्वारंटाइन फैसिलिटी में हो या कम्युनिटी में होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में हो। इन दोनों ही स्थितियों में अगर किसी को कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसका सैंपल लिया जाता है। जैसा कि आप इस ग्राफ के माध्यम से देख मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कैसे दिनों दिन हमारा ये सर्वेलेंस सिस्टम सबसे पहले जबकि भारत में एक भी केस नहीं था 23 जनवरी से ही स्टार्ट चालू हो गया था और 23 जनवरी से ही हम लोग अब विभिन्न लोगों को अपनी इस निगरानी के क्षेत्र में लाने लगे थे और इसी का हमें फलस्वरूप पहला जो हमारा केस आइडेंटिफाई हुआ, दूसरा केस आइडेंटिफाई हुआ, हमको यही सर्वेलेंस सिस्टम ने हमारी मदद की इन सबको जल्दी चिन्हित करने में और इस बीमारी के फैलाव को रोकने में। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो किस प्रकार के हमारे आगे के जो मेजर्स लिए गए, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को मैं आपके सामने निर्धारित करना चाहूंगा। पहला माइलस्टोन था जब हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका। आप इस सब के साक्षी रहे हैं कि जिस प्रकार इंटरनेशनल ट्रैफिक रुका तो उसी प्रकार उसी ने हमको मदद की कि बाहर से, क्योंकि यह बीमारी बाहर से आई है तो उनके माध्यम से जो संक्रमित लोग बाहर के ट्रैफिक के माध्यम से हमारे देश में आ सकते थे उनका आने पे हमने एक सीमा तक अंकुश लगाया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारी आदमी के शरीर में चलती है, इसीलिए हम किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग मैकेनिज्म से पूरी तरह हर चीज को एयरपोर्ट पोर्ट या पॉइंट ऑफ एंट्री पर नहीं रोक सकते। कुछ ना कुछ लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होते लेकिन कीटाणु होते हैं, ऐसे लोग इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत संभावना है कि हमारी सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से आगे का जो ट्रांसमिशन चेन है कम्युनिटी में वो आगे पनपता है। और बीमारी जो कि आप मुख्य तरह जानते होंगे, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि यह बीमारी एक इस प्रकार की है कि अर्ली फेज में इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिससे कि लक्षण आने के पहले भी यह बीमारी दूसरे बीमारी को दूसरे लोगों को लग सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे को 25 मार्च को एक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति मिली तो हमने ये पाया कि कम्युनिटी में एक दूसरे व्यक्ति का संपर्क तीसरे व्यक्ति से ना हो पाए, संक्रमित व्यक्तियों का संपर्क असंक्रमित व्यक्तियों से ना हो पाए, ससेप्टेबल पॉपुलेशन और इन्फेक्टेड पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर रहे ताकि कि कम्युनिटी में जो इंटरनल ट्रांसमिशन की चेन है वो कट कर सकें। तो इसी का फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिस गति से हमारे देश में इस केसेस के फैलाव को एक बिल्कुल निरंतर स्थिरता प्रदान हुई है वो लॉकडाउन से हुई है। उसके बाद की अगली हमारी एक और आवश्यकता जो कल हमारे सीके मिश्रा साहब ने आपको बताया था कि टेस्टिंग को हमने किस तरीके से आगे बढ़ाया, टेस्टिंग ने भी हमें इसमें एक सफलता प्रदान की। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाना था वो उसके हम काफी हद तक एक अंकुश लगा पाए।
इसमें मैं आपको चार एक माइलस्टोन मुख्य रूप पर बताना चाहूंगा जो कि हमारे लॉकडाउन के चार हफ्तों को दर्शाता है। पहले दो हफ्ते जैसा कि आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव केसेस हमारे कितने रहे, 1251 थे पहले, वो 4421 हुए दूसरे हफ्ते के अंत में। इसमें हमारा डबलिंग टाइम जो आप देखते होंगे रोजाना, और जिससे कि आप सभी काफी हद तक वो भी जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी कि हमारा डबलिंग टाइम इसमें डिक्रीज हुआ था। कारण, क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग हमारी कम्युनिटी में आ गए थे उन सब लोगों को अगले 14 दिन में किसी न किसी रूप में लक्षण के माध्यम से सामने आना ही था, और उनके आने के दौरान हमारा डबलिंग टाइम या हमारा केस एक सीमा से बढ़ना था। लेकिन उसी के फलस्वरूप आप अगले दो हफ्ते में देखेंगे कि 7 से लेकर 20 अप्रैल तक हमारे इसमें हमने देखा डबलिंग टाइम में किस तरीके का इजाफा हुआ, या हमने अपने केसों को दुगना करने की रफ्तार में किस प्रकार एक रोकने और एक ब्रेक लगाने की उस पद्धति में सफलता पाई। तो यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो हमारा डबलिंग रेट 9 दिन तक पहुंच गया है, यह एक दिखाता है कि जो पेंडेमिक एक गति से तेजी से फैलाव कर रहा था दुनिया में, जिसने बहुत सारे देशों को अपने उसमें ले लिया है, वो उस पेंडेमिक पे हम किस हद तक अपने इन प्रयासों के दौरान कुछ हद तक रोक लगा पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 1 विच इज डीलिंग विद मेडिकल एमरजेंसी एंड मैनेजमेंट प्लान। सर धन्यवाद। मैं डॉक्टर सिंह की बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाहूंगा कि इस एक महीने में देश ने कोविड आउटब्रेक को कैसे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जोरदार तरीके से काबू में लाने में सक्सेस अचीव करी है। तो एक तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे इस ग्राफ पे कि हम 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अभी इसके आगे और भी फायदे होने वाले हैं। ये एक ग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और मैंने वहीं से मैं बात करना शुरू करूंगा। आप इसको, मैं चाहूंगा कि आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें हमारी जो सारी सोच, अचीवमेंट, एक्शन, मेहनत सारी एक तरह से मैं कहूंगा छुपी हुई है। अगर हम मार्च 21 पे वापस जाते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जाइए, तो हम उस पॉइंट पे थे कि हमारी डबलिंग 3 दिन में केसेस की होनी शुरू हो गई थी। तब हमारे 300 केस थे लगभग, और 3 दिन 3.2-3.3 लगभग उस रेट पे हम चले हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसके बाद में, और माहौल बदल गया। आप देखेंगे कि लगभग 23 मार्च को एक मोड़ आता है। अगर हम इस पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये 23 मार्च है, यहां पे मोड़ आता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू है। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज इंडियाज अचीवमेंट, इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड एंड व्हाट इंडिया कैन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो 23 मार्च को हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन बदल गया। 3 दिन वाली डबलिंग रेट की बजाय हम चल पड़े 5 दिन वाली डबलिंग रेट के ऊपर। इसका महत्व यह है कि जब कोविड में हम ऐसे स्टेप लेते हैं उनको बचाने में, तो हमें इफेक्ट देखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आज स्टेप लेंगे तो ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और उसका फायदा हमें 14 दिन बाद, 15 दिन, 18 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो ये वो मौका है कि जो 23 मार्च को हमने देखा, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चुका है, तो उस टाइम पे एक बदलाव आया। और वो इसलिए हुआ कि जो जिनका जिक्र डॉक्टर सिंह ने कहा, जो हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चालू करी और एक माहौल क्रिएट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम एक ना अपना एक नॉर्मल बिहेवियर बनाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबने मिलकर क्यों फैसला कर लिया कि इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मार्च 23 से इन्फ्लेक्शन आती है, और हम धीरे 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 मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद में कुछ पर्टर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े, और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए जहां पर लिखा हुआ अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम
5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए, मतलब 10 की तरफ बढ़ गए। तो ये जो इफेक्ट अप्रैल 6 को दिखाया जा रहा है इस इमेज में, वो इफेक्ट वो है जो कि बड़ा फैसला जो 24-25 तारीख को लिया गया है, लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो उस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस एनालिसिस में। और आप ये भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से वो 3 दिन वाली डबलिंग पे अगर चलते रहते तो किधर जा रहे थे, और हमने बड़े फैसले लिए और उससे पहले भी इंक्रीमेंटल फैसले लिए, बाहर के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को देखा, उनको पकड़ा और इतना सर्वेलेंस किया हमने कि हम एक उसी तरक्की को करते करते लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले के बाद एक अलग रूप में हम अपने देश को लेके आ गए और हमने इस बीमारी पे ऊपर काबू डाला। ये स्लाइड दिखाती है कि उसी का ही को ही ऐड किया गया है कि अगर हम 3 पे चले होते तो वो बीच वाली डॉटेड लाइन है, ओके, 3 डॉटेड लाइन है देख रहे हैं, एक 2 वाली है, और भी फास्ट ग्रोथ हो सकती थी, हम उस तरफ नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन 3 वाली पे लगभग एक बारी पहुंच चुके थे, और फिर 5 दिन वाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए और वहां उन्होंने समस्या को, तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला बड़ा जो लिया वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहां पे कि बहुत सारी इंफेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। ये हम आपके सामने डेटा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसी को अगर हम देखें कि 25 के बाद क्या हुआ, पहले भी हम अच्छा काम कर रहे थे और फिर पूरा लॉकडाउन किया, पूरी मेहनत लगा दी, तो उस मेहनत के बावजूद बाद हम ये देखते हैं कि उसका फायदा ये है कि आज हमारे यहां पे लगभग 23,000 केस हुए हैं। तो ये इजी रिफ्लेक्शन है उसी मैथमेटिकल मॉडल की, उन स्कॉलर्स की, दिखाते हैं कि 73,000 तक आज नंबर पहुंच जाता अगर हम लॉकडाउन वाला फेज को ही अगर पकड़ें अगर, और अभी तो लॉकडाउन चला भी हुआ है, उसका असर भी चलेगा जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये डेटा दिखाता है कि कन्फर्म्ड केसेस क्या हैं, एक और तरह से हम इसी चीज की चर्चा एक और अलग तरीके से करते हैं। तो ये चले हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ अब मैं वो पिक्चर दिखा रहा हूं कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व पे हम चलने वाले थे, अब देखिए कि ये वो था कि जो बिना लॉकडाउन की इंटरवेंशन से हमारा रास्ता होना था, तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह हम जा रहे थे और ये फ्लैट कर्व है, दोनों के स्केल अलग हैं, इसीलिए मैंने कोशिश करी है सिंप्लीफाई करके दिखाने की एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि वो हम प्रोजेक्टेड जो रास्ता था एक्सपोनेंशियल सीधा ऊपर जाने का, उसकी बजाय हमने जो बड़े डिसीजन लिया, देश ने उसको निभाया, उससे हम बिल्कुल उससे परे चले गए। और कहाँ एक्चुअल है आप देख रहे हैं, 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का, 1,00,000 से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक समरी स्लाइड की तरह मैं आपको दिखा सकता हूं। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी दिखाई गई हैं, कुछ का जिक्र हो गया है लगभग, कि हमारा डबलिंग रेट जैसे मैंने बताया आज 10 है, आप 10 की फिगर देख रहे हैं, और येलो वाला पोर्शन है हमारा पहला लॉकडाउन, और फिर एक्सटेंडेड वाला ग्रीन वाला पोर्शन है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहां मैंने लाइन दिखाई है क्योंकि उससे पहले वो असर देखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट होने के 10-12-14 दिन लगते हैं। तो हम आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है, और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं, और क्योंकि असर अगले 14 दिन 15 दिन 20 दिन भी चलेगा तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। तो ये बताता है, दर्शाता है कि हमारे देश ने किस तरह से इस आउटब्रेक को रीसेंट टाइम्स में, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉकडाउन, हाउ इट हैज बीन हैंडल्ड एंड व्हाट द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ दिस आर। एंड देयरफॉर आई एम हैप्पी टू स्टेट नंबर 1 कि लॉकडाउन का फैसला टाइमली फैसला था। यह फैसला देश ने तब नहीं लिया कि जब हम बहुत ज्यादा इंफेक्शन फैल गई थी, डेथ्स होनी शुरू हो गई थी, उससे बच गए, पहली बात तो यह है। और यह फैसला सूझबूझ के साथ लिया गया है,
एक्सपर्ट्स की पूरी राय को लेके लिया गया है, हर पहलू को देखभाल करके लिया गया है, और जो साइंस बताती है, जो एपिडेमियोलॉजी साइंस बताती है, एपिडेमिक्स ही जो साइंस हमें बताती है कि किस तरह से इन चीज़ों को काबू करने के लिए करना जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से मद्देनजर रह के किया गया और आप उसका नतीजा अपने सामने देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश ने दिखाया कि लॉकडाउन इफेक्टिव था। अगर आप ये ट्रेंड्स आप देखिए कि हम कैसे अलग हो गए, कैसे हमने अपने आप को बचाया, और उसमें जो भूमिका रही है सर्वेलेंस की और सारी मेहनत की और सब सब देश की मेहनत की, वो आपके सामने है। ये इफेक्टिव था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जान बची हैं, इन्फेक्शन बची है, उसके जो होने वाले परिवारों को नुकसान है वो बचा है, डेथ्स बची हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अभी भी लॉकडाउन का असर अभी हमने और भी देखना है, और जो स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा था उनके हिसाब से तो डबलिंग टाइम अभी 14 दिन भी हो गया है, तो हम और भी इसका फायदा देखेंगे। ये ऐसे डिप होना चाहिए, यही दिखाता है एक्सपर्ट्स की राय है, तो वो अब भी आगे भी आएगा, लेकिन हमने इसको संजो के रखना है। ये जो चीज़ अभी हम एज अ कंट्री अचीव कर चुके हैं, हमें इसको आगे कैसे लेके जाना है, आगे कैसे इसी के गेन्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, और अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करते हुए भी इस एपिडेमिक को, इस पैंडेमिक को कंट्रोल में रखना है, ये हम सबके लिए एक हमारी ड्यूटी है। इसमें जो भूमिका रही है सर्वेलेंस की, वो बिल्कुल बहुत वर्ल्ड के जो बेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है इंडिया ने वो दर्शाया है, ये हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहा है, और मैं चाहूँगा कि आज हम उस काम के लिए जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये काम करा है उनको आप धन्यवाद भी करें, उनको हम अप्रिसिएट भी करें, अप्लॉड भी करें। दूसरा ये है कि इस पीरियड में जो सबसे बड़ी बात, कल तीन बातें कही थी श्री मिश्रा जी ने, उन्होंने कहा था कि हमने डिजीज को काबू पाया इस महीने में, हमने टेस्टिंग इंप्रूव करी, हमने प्रिपेयर करी। मैं उसमें चौथी चीज आज जोड़ना चाहूंगा, और वो है कि देश ने अपना बिहेवियर बदला है, एक जन आंदोलन का रूप लिया है हमारे इस एंडेवर को, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पे एक पूरी सोच फैली हुई है कि हम इसमें जुड़े हुए हैं, और ये जो मैसिव बिहेवियर चेंज है, ये जन आंदोलन बना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसकी चर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने करी, जिसका जिक्र किया गया है, ये जो भागीदारी बनी है और एकजुट होकर हम सब आए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे भी हमें सतर्क रहना है, आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करी जा रही है, सोचा जा रहा है कि आगे किस तरह से हम ये जो हमने गेन्स करे हैं, सक्सेस पाई है अभी तक, उसको संजो के उसको और दृढ़ता से हम आगे कैसे लेके जाएंगे। ये जैसे जैसे ये फैसले होते हैं, आपके सहयोग से, आपके सजेशंस के साथ, जनता की भागीदारी के साथ, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। पर आज हम कह सकते हैं कि इस देश ने इस महामारी को काबू करने के लिए जो स्टेप उठाए हैं वो टाइमली थे, अच्छे थे, पूरी तरह से निभाए गए हैं, और एक बहुत मजबूती से आगे हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने को, खत्म करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं।